बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने है थ्योरम 6.1 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल लेट दिस इज ए बी एंड सी, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, लेट बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा कर ली, दिस इज डी एंड ई। अब ये कह रहे हैं एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा की जो दूसरी दो लाइनों को टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग डी एंड ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, द अदर टू साइड्स दीज ए बी एंड ए सी आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रेशो इक्वल होगा, ये कह रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आता है, डायरेक्टली ये पूछा जाता है। स्टेट एंड प्रूफ मीन्स आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है और उसको प्रूफ भी करना है। स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और साथ में आपको यूजिंग इट कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करने को दे दिया जाता है। सॉल्यूशन गिवन, हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब हमने कोई भी ट्रायंगल ली एबीसी, वहाँ पे डीई डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी के हमने प्रूव करना है। यहां पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। हमने क्या किया, बी को ई से मिला दिया, ज्वाइन बी ई ज्वाइन सी डी, एंड साथ में हमने ई से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, सपोज ई एम, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डी एन ड्रा कर दिया हमने। क्या क्या किया हमने, ज्वाइन बी ई एंड डी सी, हमने क्या किया बी ई और डी सी को ज्वाइन कर दिया, और साथ के साथ हमने क्या किया है डी एन परपेंडिकुलर, डी एन परपेंडिकुलर ए सी और ए ई, एम परपेंडिकुलर ए बी, अगर वो ए बी पे है तो ए डी के ऊपर भी है, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर ली। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ एरिया से हम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट किसी भी ट्रायंगल का। अब इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, पहले ऊपर वाली लेते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये वाली ट्रायंगल ऊपर वाली और इसके इधर वाली जो ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अच्छा ए डी ई का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, मैं बेस यहाँ पे ये ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ए डी चाहिए, तो ठीक है, तो 1/2 बेस हमारा क्या हो गया ए डी, एंड हाइट क्या होगी ई एम, ई एम इज हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। नीचे भी ऐसे ही 1/2, नाउ व्हाट इज बेस, बेस मैंने बी डी लिया, यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी हो जाएगा, डी बी इंटू, अब हाइट यहाँ पे क्या होगी, देखिए अगर हमारे पास कोई भी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होती है, मींस एक एंगल 190 से ज़्यादा हो, तो हमारे पास यहाँ से अगर मैं वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो वो एक्सटीरियर में ड्रा होगा बाहर की तरफ, तो ये भी हमारे पास एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, यहाँ जो परपेंडिकुलर है ये बाहर ड्रा हो रहा है, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या हो गया ई एम हो गया, ठीक है।
यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, AD अपॉन DB। लेट दिस इज इक्वेशन वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल हो गया, AD अपॉन DB के। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऊपर वाली ट्रायंगल और अब की बार ये वाली साइड वाली ट्रायंगल DEC में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ऊपर वाले का एरिया 1/2, व्हाट इज बेस, बेस अब की बार मैं ये ले रहा हूँ AE इंटू हाइट, बेस ये है तो हाइट मेरा DN बनेगा, DN डिवाइडेड बाई 1/2। नाउ व्हाट इज बेस, बेस हमने क्या लेना है, EC इंटू, अब जैसे इसमें क्या था, इसका हमारे पास परपेंडिकुलर क्या बनेगा, DN बनेगा, दिस इज DN, 1/2 कैंसल, DN कैंसल, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही तो हमने इक्वल करना है। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र डालिए, ADE इक्वल है BDE CDE, इट मींस मुझे क्या दिखाना है कि BDE का जो एरिया है वो CDE के एरिया के इक्वल होना चाहिए, ये हमें शो करना है। अब नाइन्थ क्लास में चलते हैं हम, वहाँ पे हमने ये बताया था कि अगर दो कोई पैरेलल लाइन है और यहाँ पे सेम बेस के ऊपर दो ट्रायंगल बनी हुई हैं, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। कौन सी ट्रायंगल, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस हैव इक्वल एरिया, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, BDE और CDE, DE हमारा बेस हो गया, इन दोनों पैरेलल लाइंस के क्या है, बीच में DE और BC क्या है, पैरेलल है। ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन सेम बेस, बेस यहां पे हम क्या ले रहे हैं, DE, तो इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। अब CDE की जगह हम क्या चेंज कर सकते हैं, BDE, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE को मैंने क्या लिख दिया, BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये वाली और ये वाली वैल्यू जो है सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC एंड हैंस प्रूव, यही हमने प्रूव कर रहा था कि जो ये पैरेलल लाइंस है इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ दो ही पार्ट आपने समझने हैं, एक बार इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, बड़ा ही आसान हो जाएगा, इन दोनों का एरिया को इक्वल दिखा दीजिए, ये आपकी जो ट्रायंगल है थ्योरम है ये प्रूव हो जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली थ्योरम्स के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।